विश्व कप 2023 में टीम इंडिया ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने इस विश्व कप सभी टीमों के परखच्चे उड़ाए। आखिरी दो मुकाबले में तो श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों को 100 रनों के नीचे ढेर करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों ने सभी की वाहवाही लूट ली। लेकिन भारत के इतने शानदार प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान में मानो भौकाल आ गया हो। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम से काफ़ी जली भुनी नजर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हसन रजा ने भारत के इतने शानदार प्रदर्शन के बाद इसे चीटिंग का नाम दे दिया है। जी हां, हसन रजा ने मीडिया के साथ मिलकर टीम इंडिया की काफ़ी आलोचना की और ये भी कह दिया कि टीम इंडिया इतना अच्छा प्रदर्शन इसलिए कर पा रही है क्योंकि भारतीय टीम चीटिंग कर रही है इस विश्व कप में अपने घर पर खेलते हुए। लेकिन जब भी ऐसी बात होती है तो जवाब तो मिलना ज़रूरी है और इस बार पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर उनकी मीडिया को जवाब दिया है भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी विश्व कप के पहले 4 मुकाबलों में खेल नहीं पाए लेकिन फिर उसके बाद उन्हें टीम में मौका दिया गया। हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए जिसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले से उनकी टीम में एंट्री हो गई। बस तभी से मोहम्मद शमी लगे पड़े हैं विरोधी टीम के विकेट निकालने में। 4 मैचों में 16 विकेट निकाल चुके हैं अब तक शमी। अब जिसकी गेंदबाजी में इतना दम हो उसकी बातों में कैसे ना वजन हो। मोहम्मद शमी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर हसन रजा को जवाब देते हुए एक बेहद लंबा नोट लिखा जिसमें मोहम्मद शमी ने हसन रजा को यह कहा कि शर्म करो जनाब, कुछ तो शर्म करो। मोहम्मद शमी ने क्या कुछ कहा चले जानते हैं आगे। शर्म करो यार, गेम पर फोकस करो ना कि फालतू की बकवास पर। कभी दूसरों की सक्सेस को एंजॉय भी करो। छी यार, आईसीसी वर्ल्ड कप है, आपका लोकल टूर्नामेंट नहीं। आप प्लेयर ही थे ना, वसीम भाई ने समझाया है, एक्सप्लेन किया था। फिर भी अपने प्लेयर्स अपने वसीम अकरम पर ही यकीन नहीं आपको, अपनी तारीफ करने में लगे हैं जनाब, तो मतलब सच में वाह। मोहम्मद शमी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, कहना दिलचस्प रहेगा कि अगर एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान की भिड़ंत होती है तो इस बार मोहम्मद शमी पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। इस खबर में इतना ही, बने रहिए वन इंडिया के साथ।